हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं श्री स्वामी नित्यानंद टेंपल में आ चुके हैं हम। और यहाँ पे जो है गणेशपुरी टेंपल भी कहते हैं इसे। ये वज्रेश्वरी टेंपल से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। और ये जो है हमने अभी बाइक पार्क कर दिया है और यहाँ पर जो है बाहर साइड में जो है गार्डन है, तो थोड़ा सा जो है हम गार्डन देखते हुए फिर हम मंदिर में जाने वाले हैं। लेकिन जो है अंदर दर्शन मतलब मैं करूँगा, लेकिन आपको जो है बाहर से ही आपको मंदिर दिखा दूँगा। और ये देखिए, ये है चिल्ड्रन गार्डन। तो यहाँ पे जो है आज बंद है, वैसे तो आज मंडे का डे है, तो मैंने पूछा तो गार्डन जो है बोला कि वैसे चालू रहता है हमेशा, लेकिन कभी यहाँ के पर्सन नहीं आते हैं तो इसकी वजह से बंद है आज। और यहाँ पे जो है बच्चों के लिए छोटी ट्रेन है और अंदर जो है टोटली चिल्ड्रन के लिए कुछ खेलने की चीज़ें हैं। तो जो है पार्किंग के बाजू में ही है ये। जैसे ही हम वज्रेश्वरी टेंपल मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, दर्शन कराया था, तो ये जो है भिवंडी तालुका में आता है। गाइस, इस वक्त हम है गणेशपुरी मंदिर में, जो वज्रेश्वरी से 1.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस पे है। तो मैं आया हूँ वैसे बाइक पे और हम जो है यहाँ के गार्डन में हमने गाड़ी पार्क कर ली है और ये गार्डन थोड़ा सा घूम चुके हैं अभी हम। उसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर भी हम दर्शन करने वाले हैं। मंदिर के अंदर तो एक्चुअल में कैमरा अलाउ नहीं है, दर्शन नहीं हो सकेगा, लेकिन मंदिर में आपको बाहर से दिखाने वाला हूँ। वज्रेश्वरी से जो रास्ते से हम आए हैं तो गणेशपुरी विलेज के यहाँ से ही एंटर होके और ये जो है टेम्पल आया है। तो गणेशपुरी गांव जो है उसके पहले गांव आया, उसके बाद जो है हम यहां पे मंदिर पहुंचे हैं और लिखा है यहां पे चिल्ड्रन गार्डन। और अब हम यहां से जो है मंदिर की तरफ जाएंगे और बाहर जो है यहां पे कुछ हमें स्पिरिचुअल ये चीज़ें भी मिलती है यहां से। और यहां पे जो भी है थाली प्रसाद और माला रुद्राक्ष रखी, ऐसे काफ़ी जो है स्पिरिचुअल चीज़ें मिलती है। ये पूरा बाहर का व्यू है, यहाँ से हमें जो है मंदिर दिखाई दे रहा है, सामने पानी का कुंड है। गाइस, इस वक्त हम है गणेशपुरी टेंपल में। तो अभी हो रहा है 1:15, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक मंदिर बंद होता है ऐसा मुझे पता चला है बाहर आके। तो हमें है एक 10 से 15 मिनट्स जिसमें हम मंदिर घूमने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। और ये हम जो है बाहर का ही व्यू है, आप देख सकते हैं। ये एरिया पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया है और काफ़ी शांति है यहाँ पे, काफ़ी सुकून है यहाँ पे। और यहाँ पे सामने हमें टेंपल दिखाई दे रहा है, तो हम टेंपल जो है बाहर से हम थोड़ा देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे। यहाँ पे जो है शिव मंदिर भी है, जो हम यहाँ से थोड़ा सा हम बाहर से हम व्यू कर रहे हैं। और सामने पानी का कुंड है, 3 कुंड है अंदर, जहाँ पर पानी में हम जो है उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, स्किन डिसीसेस के लिए काफ़ी अच्छा है वो गर्म पानी का जो कुंड है, वहाँ पे काफ़ी लोग जो है नहाते हैं और वहाँ पे जो है उनसे जो है काफ़ी स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और यहाँ से जो है हमें शिव मंदिर भी दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ का शिव मंदिर। तो और जो बीच में जो मेन टेम्पल है मैंने आपको बीच में दिखा दिया है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा साइड में से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक हम राउंड लगा देंगे शिव मंदिर का और बीच में जो है मेन जो मंदिर है श्री नित्यानंद स्वामी जी का मंदिर है यहाँ पे। तो ये जो है लेफ्ट साइड में है मेन मंदिर, बाकी राइट साइड से हमें जो है एक टर्न लेके वापस हम चले जाएंगे। और जो है पीछे एक गार्डन भी है, थोड़ा सा हम गार्डन में जाने वाले हैं। और मंदिर के बाहर जो है हम जाते हैं वहाँ पर हमें खाने पीने की चीज़ें भी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और बाहर जो है प्रसादालय भी है, वहाँ पे कुछ कम कॉस्ट में अच्छी थाली मिलती है। और यहाँ पे देखिए ये जो है मेन जो है बाहर का जो है प्लेस है, मंदिर के बाहर का व्यू है। और अब हम थोड़ा सा बैक साइड में गार्डन में आ चुके हैं और ये गार्डन में जो है फ़िलहाल जो है आज ये काफ़ी पब्लिक नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन ये वैसे फुल रहता है, काफ़ी पब्लिक रहती है। मैं वैसे फैमिली के साथ यहाँ पे 2-3 बार आ चुका हूँ, तो तभी जो है गार्डन पूरा भरा हुआ था और काफ़ी लोग यहाँ पे दोपहर का लंच लेके आते हैं और बैठ के खाते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे बैठने की अच्छी जगह है।
एक पिकनिक की तरह हो जाता है, जैसे दर्शन भी हो जाता है और मंदिर घूम के फिर अंदर जो है गार्डन, अच्छा छोटा गार्डन है और काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे फुल काफ़ी सुकून है, शांति है, और एकदम जो है यहाँ से साइड में से हर जगह से बैठने की जगह है, काफ़ी लोग नीचे भी बैठ जाते हैं, जो है ग्रास है, ग्रास के यहाँ पे बैठ के आराम से अपने जो है रेस्ट करके फिर उसके बाद जो है बाहर भी है वज्रेश्वरी, काफ़ी जन जो आते हैं यहाँ पे तो वज्रेश्वरी, गणेशपुरी, और उसके अलावा जो है यहाँ पे साईं बाबा जी का भी अच्छा खासा टेम्पल है, कभी वहाँ पे भी हमें जाना है, और उसके अलावा जो है बाहर और भी एक जो है नदी है यहाँ पे वज्रेश्वरी की, और उसके अलावा कुंड भी है वहाँ पे। हमने पूरा टूर तो नहीं किया है, पूरा ट्रिप नहीं किया है, मैंने आपको लास्ट टाइम वज्रेश्वरी देवी का मंदिर घुमाया था और आज गणेशपुरी टेम्पल हम घूम चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। कभी हम ट्रिप बना के एक साथ सब में आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा वापस से, क्योंकि जितना भी हम नॉलेज लेते हैं कहाँ नहीं कहाँ कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ कम हो ही जाता है। गाइस हमारा मंदिर घूमना हो गया है, दर्शन हो गया है, दर्शन मतलब हमने बाहर से घूम लिया है मंदिर, और यहाँ का जो टाइमिंग है मैंने यहाँ पे पता लगाया है कि सवेरे 4 बजे से 9:30 तक मंदिर का टाइमिंग है, बीच में खाली 1:30 से लेके 2:30 तक बंद रहता है। तो यहाँ पे जो है अभी एक थोड़ा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के फिर मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे बाहर प्रसादालय, आश्रम और भी एक दो प्लेस है जो हमारी रह गई है, और ये बाहर का रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं जो है पूरा ग्रीनरी, यहाँ पे आते ही दिल खुश हो जाता है, और जो है यहाँ से वज्रेश्वरी तक काफ़ी अच्छा रास्ता है यहाँ तक।